हाय हेलो नमस्ते दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग मस्त होंगे और मजे में होंगे। तो आप भी एनिमेशन वीडियो बनाने का सोच रहे हो, वो किस तरह से बनाते आपको पता नहीं तो टेंशन क्यों ले रहे हो। मेरा चैनल को सब्सक्राइब किया तो आपको पूरा इस वीडियो में पता चलने वाला किस तरह से एनिमेशन वीडियो बनाते और किस तरह से एक्सपोर्ट करते। सिंपल है गाइस, आज इस वीडियो में आपको सेट वे AI टूल के बारे में आज इस वीडियो में जानकारी आपको देने वाला हूँ कि किस तरह से AI टूल से आप किस तरह से एनिमेशन वीडियो क्रिएट कर सकते हो और किस तरह से वीडियो क्रिएट करके आपका डिवाइस में किस तरह से डाउनलोड कर सकते हो और किस तरह से आपको उस वीडियो में एनिमेशन वीडियो में आप किस तरह से म्यूजिक ऐड कर सकते हो। इस वीडियो में पूरा आपको जानकारी मिलने वाला है। तो आप किस तरह से सेट वे AI टूल में किस तरह से एनिमेशन वीडियो बना सकते हो, तो आप भी जानने में इंटरेस्टेड हो तो ये वीडियो बिना स्किप किए यहां तक देखिए। आगे बढ़ने से पहले मेरा नाम जान लीजिए, मेरा नाम सागर, आप सभी का स्वागत है CPS टेक्निकल में। आपको वीडियो पूरा वॉच करना है तो नीचे लिंक है, लिंक पे क्लिक करके पूरा वीडियो वॉच कर सकते हो। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट कर गाइस। देख सकते हो मेरा मोबाइल स्क्रीन आने के बाद आपके पास जो भी ब्राउजर है वो ब्राउजर ओपन कर लीजिए। सिंपल में देख सकते हो, ब्राउजर ओपन करने के बाद आप सिंपल में देख सकते हो, आप इधर सेट वे AI टाइप करके सर्च कीजिए सिंपल में गाइस। सर्च करने में देख सकते हो फर्स्ट वेबसाइट है, देख सकते हो फर्स्ट वेबसाइट है, तो उस वेबसाइट पर क्लिक कीजिए। सिंपल में इस टूल पर क्लिक कीजिए, इस टूल पर क्लिक करने के बाद आप साइनिंग अप कर लीजिए। गूगल से कर सकते हो, मोबाइल नंबर से भी कर ले सकते हो। तो मैं सिंपल में आप डेस्कटॉप साइट ओपन कर लीजिए, आपके पास डेस्कटॉप साइट ऑन नहीं तो आप डेस्कटॉप पर ऑन कर लीजिए। होने में देख सकते हो गाइस, इधर आने के बाद आप साइनिंग अप है ना, फ्री है ना, इस ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। सिंपल में ऑप्शन पर क्लिक करने में देख सकते हो आप जीमेल आईडी से लॉगिन कर सकते हो या आपके पास फेसबुक है तो फेसबुक से लॉगिन कर सकते हो। तो सर सिंपली मैं लॉगिन करता हूँ, आप मेरा जीमेल आईडी से, तो आप किस तरह से लॉगिन कर लेते हो कर ले सकते हो। देख सकते हो साइनिंग अप कर ली है। साइनिंग अप करने में देख सकते हो इस तरह से आपको पूरा का पूरा आपको जानकारी देखने को मिलता है। आप डेस्कटॉप साइट ऑन कर लीजिए, आपको पूरा का पूरा वन बाय वन आपको जानकारी बताऊंगा। डेस्कटॉप साइट ऑन नहीं तो आपको आप लैपटॉप में भी रन कर सकते हो इस वेबसाइट को, चाहे आपके पास कंप्यूटर है तो कंप्यूटर में रन कर सकते हो। तो मैं फिलहाल आप मोबाइल से किस तरह से क्रिएट करते हैं आपको वन बाय वन वो आपको जानकारी देने वाला। देख सकते हो साइनिंग अप करने के बाद इस तरह से होम पेज आता है। होम पेज आने पर देख सकते हो आप टेक्स्ट टू वीडियो कन्वर्ट कर सकते हो। इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप टेक्स्ट टू एनिमेशन कर सकते हो। देख सकते हो आप बिग वीडियो भी कर सकते हो, फिर बिग एनिमेशन वीडियो भी बना सकते हो, फिर ऑडियो टू वीडियो बना सकते हो, फिर आप ट्विटर का जो भी वीडियो बनाना है वो बना सकते हो। देख सकते हो इधर पूरा पूरा आपको टूल मिल जाएगा, आपको अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग टूल मिल जाएगा। आप इस टूल में आप बहुत कुछ आपको मिलेगा, लेकिन आपको इस टूल में यूज कर सकते हो, लेकिन प्रीमियम लेना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इस टूल में आप प्रीमियम लिया तो ही आपका लोगो है वो हट जाएगा, फिर आपको अलग अलग फ्यूचर आपको देखने के लिए मिलेगा। तो फिलहाल हमको क्या है एनिमेशन वीडियो किस तरह से क्रिएट करते वो जाने। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस एनिमेशन टेक्स्ट टू एनिमेशन इस ऑप्शन पर क्लिक कीजिए सिंपल में। इस ऑप्शन पर क्लिक करने में थोड़ा एनिमेशन ऑप्शन पर क्लिक करना, आप स्टार्ट ऑप्शन पर क्लिक कीजिए सिंपल में। स्टार्ट ऑप्शन पर क्लिक करने में थोड़ा ही समय लेता है, लेने के बाद ऑटोमेटिकली ओपन होता है। तो गाइस इधर आप टाइपिंग कर सकते हो एनिमेशन का, फिर आप वीडियो का साइज सेलेक्ट, टाइटल भी इधर से लिख सकते हो। तो फटाफट मैं आपके हिसाब से मेरे हिसाब से क्लियर करता हूँ, तो आपके हिसाब से आप क्लियर कर दे। देख सकते हो लाइव वीडियो है ना, इसको आप एनिमेशन वीडियो क्लिक कर दीजिए। आपको जो साइज आपको रखने का वही साइज जो अभी है वही साइज रहने दो। फिर आदमी होने के बाद आपको बर्थडे का वीडियो बनाने का है, आपको किस तरह से वीडियो बनाने का है, किस कैटेगरी का वीडियो बनाएंगे, सिंपल में आप उस कैटेगरी का वीडियो ले सकते हो। तो मैं अभी हार्डली धागा दबाता हूँ, तो आपको जो चाहिए आप ले सकते हो। बाद में टाइटल क्या है तो मैं कुछ मेरे हिसाब से क्लिक करता हूँ, तो आपके हिसाब से आप सेलेक्ट कर दीजिए। होने के बाद देख सकते हो स्क्रिप्ट है ना, इस ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। सिंगल स्क्रिप्ट है ना, आप सिंपल में क्लिक करने में देख सकते हो आप इधर 10 टाइप का स्क्रिप्ट आप अलग अलग क्या कर सकते हो स्क्रिप्ट। देख सकते हो इधर आने के बाद आप पहला लाइन है ना ये वन स्क्रिप्ट में डाल सकते हो, टिप्स नंबर वन, टिप्स नंबर टू। देख सकते हो आप इस 10 टू मतलब अभी बहुत फ्यूचर मिलेगा, अभी फ्री के लिए फ्री है इसलिए आपको इतना ही टूल अवेलेबल है, मतलब इतना ऑप्शन अवेलेबल है। तो आपके हिसाब से जो आपको स्क्रिप्ट लिखना है तो एक एक वन बाय वन आप इधर फिलअप कर लीजिए। तो सिंपल है मैं आपको आप फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं कुछ भी लिख लेता हूँ, मतलब आपको क्रिएट करके बता दूँ, आपको उस तरह से क्रिएट मतलब फॉलो करके आप आपके हिसाब से जो आपको टाइटल देना है तो आप किस तरह से चाहिए उस तरह से आप क्रिएट कर सकते हो, जनरेट कर। देख सकते हो गाइस मैं स्क्रिप्ट कॉपी किया, तो मैं डायरेक्ट इधर पेस्ट कर देता हूँ। देख सकते हो मैं जरा टिप्स नंबर वन में कॉपी कर दिया, देख सकते हो आप इधर देख सकते हो। आने के बाद आपको चाहे तो आप इधर कुछ भी टिप्स नंबर टू भी लिख सकते हो चाहे तो। मैं मेरे देख सकते हो नमस्ते दोस्तों मैं सिंपल वे में लिख दिया। लिखने के बाद देख सकते हो गाइस इधर आपको नेक्स्ट देख सकते हो इधर ऐसे नीचे आ जाइए, नीचे आने के बाद देख सकते हो आप इधर से आप इधर लिख सकते हो
योर वीडियो आर्ट ऑफ देख सकते हैं। इस ऑप्शन पर क्लिक कीजिए, सिंपल में थोड़ा लोडिंग होता है। लोडिंग होने के बाद आपको इधर से फ्री टेक्स्ट, तो आपके हिसाब से जो टैग लगाना है सिंपल में लगा सकते हो। बाद में इधर देख सकते हो आप सिक्योर है ना, इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप ऑल रख सकते हो, चाहे आपके हिसाब से आपका जैसे ऑल ही ऑप्शन है तो ऑल ही रख सकते हो। तो सिंपल में देख सकते हो एनिमेशन वीडियो ना, इस ऑप्शन पर क्लिक कीजिए सिंपल में। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो वही ऑप्शन है कि लाइव आना चाहते हो कि एनिमेशन वीडियो बनाना चाहते हो। तो सिंपल में लाइव ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। बाद में देख सकते हो आपका इधर आपका ऑडियो भी डाल सकते हो, फिर आपका ऐड वॉइस भी कर सकते हो, ओवरऑल वॉइस भी आप इसके साथ भी कर सकते हो। तो सिंपल में आपको कुछ नहीं करना है, तो चलिए नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करें। सिंपल में देख सकते हो मेरा वीडियो का लेंथ भी देख सकते हो 46 सेकंड हो गए। तो नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद थोड़ा इस तरह से चाहिए आपका कैरेक्टर देख सकते हो, आपका जो कैरेक्टर है ना थीम बोलते हैं ना उसको, आप थीम देख सकते हो इस तरह से ले सकते हो, इस तरह से ले सकते हो, वो आपके हिसाब से ले सकते हो। तो फॉर एग्जांपल मैं ये लेता हूँ थीम, तो लेने के बाद इस ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। इस ऑप्शन पर क्लिक मैंने थोड़ा ही समय लेता है, थोड़ा ही समय तो आप सिंपल में आपका कलर गिलर सब चेंज कर सकते हो। सिंपल में मैं यही लेता हूँ। लेने के बाद आप देख सकते हो इधर से आप आपका चेंज कलर ले सकते हो, ये इस ऑप्शन पर क्लिक कीजिए सिंपल में। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो लेफ्ट राइट, मतलब जो आप फोटो लिए हो ना, जो कैरेक्टर लिए हो, वो कैरेक्टर को लेफ्ट राइट आप इधर सिंपल वे में एडजस्ट कर सकते हो। तो सिंपल वे में आपके हिसाब से एडजस्ट कर ले सकते हो। तो मैं अभी फिलहाल के लिए नॉन दबाता हूँ, नॉन दबा कर बैक आ जाता हूँ। बैक आने वाले ना तो उसका मतलब जो वीडियो का लेंथ है आपको इधर शो करा देगा। फिर आपको देख सकते हो टेक्स्ट हाइड करने, तो सिंपल वे टेक्स्ट हाइड कर सकते हो, आपके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। होने के बाद गाइस इधर ऐसे नीचे आ जाइए, देख सकते हो अलग अलग आपको स्क्रिप्टेबल, जैसा 10-8 आप स्क्रिप्टेबल लिखने का था, तो 8 का स्क्रिप्टेबल में अलग अलग कैरेक्टर में अलग अलग आप जो नीड के हिसाब से आप चेंज कर सकते हो। तो सिंपल में आप कितना सारा होने के बाद आपको म्यूजिक ऐड करना है, तो जूम कर लीजिए। जूम करने के बाद देख सकते हो गाइस आपका जो ओवरऑल वॉय, मतलब आपका जो वॉइस है ऐड करना है, तो सिंपल में ऐड कर सकते हो। फिर आप इधर से म्यूजिक भी ऐड कर सकते हो, फिर आप एक बार सुन भी सकते हो, प्ले करके आप सुन भी सकते हो। आपको एक बार सुना तो देख लीजिए, सुन लीजिए। देख सकते हो इस तरह से आप एनिमेशन क्रिएट कर सकते हो। मतलब आपको मैं स्क्रिप्ट कुछ भी नहीं लिखा, तो आपके हिसाब से मतलब स्क्रिप्ट लिखा था उसको मैं डिलीट कर दिया, और डिलीट करने के बाद आपके स्क्रिप्ट ऐड नहीं हुआ, तो आप सिंपल में मैं जैसा बोला उस तरह से आप एक बार वीडियो को पीछे जाकर इस तरह से आप ठंडे दिमाग से देख सकते हो। होने के बाद देख सकते हो इधर है ना पब्लिक है ना, देख सकते हो नीचे आ जाए, इसलिए ना पब्लिक है ना, इस ऑप्शन पर क्लिक कीजिए सिंपल में। इस ऑप्शन पर क्लिक करने में थोड़ा ही वेट कर दीजिए, वेट करने के बाद आपका वीडियो थोड़ा प्रोसेस होगा, प्रोसेस होने के बाद ऑटोमेटिकली आपको सामने शो होगा। तो मैं AI टूल का लोगो भी आ रहा है। आने के बाद देख सकते हो गाइस आप इधर से आपका जो एनिमेशन वीडियो आपका उस क्वालिटी देख सकते हो, ले सकते हो, मतलब देख सकते हो HD में चाहे तो HD में ले सकते हो, फुल HD में चाहे तो आपको प्रीमियम लेना पड़ता है, उससे फुल HD में चाहे तो 4K में चाहे तो सिंपल में आपको प्रीमियम लेना पड़ता। तो अभी के लिए हमको प्रीमियम बिना प्रीमियम का यूज़ करने तो आप ले सकते हो। बाद में देखिए MP4 है, MP4 वही रहने दो। बाद में होने के बाद गाइस आपको इस वीडियो को सिंपल में आपको डाउनलोड चाहिए, तो सिंपल में डाउनलोड ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। सिंपल में डाउनलोड ऑप्शन पर क्लिक में थोड़ा ही समय लेता है, थोड़ा ही समय होने के बाद आपका वीडियो, मतलब आपको वीडियो बनकर तैयार होता है। क्यों, इस टूल में आपको पूरा जो 8 टिप्स दिया है, 8 टिप्स में 1x1 स्क्रिप्ट लिखना है, मतलब टिप्स में आपका जो टाइटल है तो लिखा तो ये लेता है, एक टाइटल में लिखा तो आपको ये टूल नहीं लेता, समय लेता है। समय लेने के बाद तो थोड़ा वेट कर लीजिए गाइस। आप डाउनलोड ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो इधर आपका जो वीडियो है ना, देख सकते हो प्रोसेस हो रहा है। आप उस ऑप्शन पर देख सकते हो एक्सपोज में आ जाने, इस ऑप्शन पर क्लिक कीजिए सिंपल में। थोड़ा एक्सपोज मैनेज पर क्लिक करने में देख सकते हो आपका वीडियो है ना इधर बनकर थोड़ा देर में तैयार होकर आ जाएगा, देख सकते हो इधर से। तो आप इधर आने के बाद सिंपल में आप डाउनलोड देख सकते हो, आने के बाद डाउनलोड होने के बाद आप डायरेक्ट आपके डिवाइस में जाएगा, नहीं गया तो फिर से एक बार डाउनलोड कर लीजिए सिंपल में। तो गाइस आपको कि आपको वीडियो पूरा का पूरा पसंद आ गया होगा, क्योंकि एनिमेशन वीडियो किस तरह से बनाते हैं और किस तरह से क्रिएट करते हैं। तो आपको शो करवाने के लिए मैं जो टाइटल है कुछ कॉपी नहीं किया, फिर कुछ नहीं किया, तो आप सिंपल में देख सकते हो टिप्स 8 दिए, तो 8 टिप्स में आप स्क्रिप्ट लिखकर आपके जैसा आपके जो मन में आएगा उस तरह से आप स्क्रिप्ट लिखकर एनिमेशन वीडियो किस तरह से क्रिएट कर सकते हो। आप फनी भी क्रिएट कर सकते हो, आपको अलग अलग सोशल मीडिया में अपलोड भी कर सकते हो सिंपल में।
तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पूरा का पूरा पसंद आ गया होगा। पसंद आए तो प्यारा से एक लाइक कर सकते हो। फिर आपको मन में और आपके दिमाग में कुछ भी डाउट आ रहा है इस टूल के बारे में, तो आपको सिंपली में प्यारा से जाके कमेंट कर सकते हो। आपको पूछ सकते हो कि किस वेबसाइट के बारे में आपको कुछ पसंद आया नहीं, कुछ आपको समझ नहीं आया। तो इस वीडियो में आपको आपसे ये मजेदार टिप्स एंड ट्रिक्स आपको रेगुलर मिलते रहना चाहिए, तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।